टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन श्री रतन टाटा जो कि एक ब्रिलियंट लीडर रह चुके हैं, तो कैसा पॉसिबल है कि जो बातें रतन टाटा जी ने अपने लाइफ के 50 सालों में सीखा है हम उससे केवल 4 या 5 मिनट में सीख पाए। सो इसका आंसर है हाँ, टाटा जी ने एक स्पीच के माध्यम से अपने लाइफ के सारे लर्निंग को बताया है। रतन टाटा जी का यह स्पीच बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कॉलेज में है या पास आउट हो गए हैं या किसी छोटी बड़ी जॉब में है या किसी छोटी बड़ी स्टार्टअप में है। इन्होंने अपनी स्पीच को 2 लर्निंग्स के माध्यम से बताया है जो कि कॉन्फ्रेंस की स्पीच का एक पार्ट है। सो शब्द सारे रतन टाटा जी के हैं, मैं तो केवल उसे सिंपल वे में आप तक पहुंचा रहा हूं। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्पीच है, सब कुछ मुमकिन है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपने अपने इर्द गिर्द लोगों से अक्सर कहते सुना होगा कि यह काम नहीं हो सकता, कॉलेज से निकलने के बाद अब यह आपकी ड्यूटी है कि आप ऐसे मिथ को तोड़ें। बहुत से ऐसे काम है जो हमारे देश में होने चाहिए थे लेकिन वे नहीं हो पाए। इनके पीछे जिम्मेदार ऐसी मानसिकता के लोग ही हैं जो कहते हैं कि इस काम को कर पाना मुमकिन नहीं है। आने वाले सालों में आप लोग इस देश के लीडर्स होंगे, इस देश का भविष्य आपके ही कंधों पर है। यह काम कर पाना मुमकिन नहीं है या नहीं हो सकता, ऐसे विचारों को मन में जगह ना दें। अपनी चारों ओर नजर उठाकर देखिए, दुनिया कामयाबी की मिसालों से भरी पड़ी है, तमाम बड़ी कंपनियों के उदाहरण है। सोचिए इन कंपनियों को बनाने में आइडियाज कहाँ से आए, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, एप्पल, अमेजोन जैसी कंपनियां कहां से आई। एक कंपनियां तभी अस्तित्व में आई जब किसी ने सोचा कि यह किया जा सकता है, यह मुमकिन है। आपसे यही उम्मीद है कि नकारात्मकता की ओर ना देखें, सोच लिया जाए तो बड़े से बड़ा काम हो सकता है। इसके अलावा ध्यान रखें कि जीवन में कितने भी कामयाब क्यों ना हो जाए, विनम्रता कभी ना छोड़ें। कभी किसी नोबेल विजेता के पास बैठकर देखा आपने, वह आपको कभी महसूस नहीं होने देंगे कि वह इतना बड़ा अवार्ड जीत चुके हैं। उनके आसपास के लोगों से ही उनकी महानता के बारे में पता चलेगा। आपने जो भी शिक्षा हासिल की है उसे समाज को वापस करने के लिए भी थोड़ा सा काम करते रहें। अपनी कामयाबी को इस आधार पर कभी ना किए कि आपने कितना पैसा कमा लिया, आप किस पद तक पहुँच गए या आपकी समाज में कितनी प्रतिष्ठा है। आपकी कामयाबी का पैमाना यह होना चाहिए कि जब आप रात को घर लौटे तो मन में यह संतुष्टि रहे कि आपने देश और समाज की तरक्की में अपनी ओर से योगदान दिया है, भले ही वह योगदान कितना भी छोटा क्यों ना हो। दोस्तों दूसरा स्पीच है, कामयाबी की नई मिसाल, बिकम अ न्यू एग्जांपल ऑफ सक्सेस। मैं आज आप लोगों के बीच में आकर थोड़ा दुखी हूँ इस बात को लेकर कि मैं आज आपकी उम्र में नहीं हूँ और ऐसे वक्त में कॉलेज से पास आउट नहीं हो रहा हूँ। जब बिजनेस की दुनिया बाहें पसारे आपका स्वागत कर रही है, आपके लिए यह एक बेहद अहम पल है। जाहिर है आपकी जिम्मेदारियां भी बड़ी होंगी, आप आने वाले सालों में लीडर्स बनने वाले हैं। कॉलेज से निकलकर आप सभी को बिजनेस वर्ल्ड की बड़ी बड़ी जिम्मेदारी को निभाना है और ऐसे में आपके पास अपना बेस्ट देने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना ही है। जिस लीडरशिप की बात मैं कर रहा हूँ मुझे उम्मीद है कि उसे निभाने के लिए आप अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करेंगे और अपनी वैल्यूज को पूरी तवज्जो देंगे। मेरा मानना है कि असली लीडर वह होता है जिसके पास विजन है, जो भविष्य के गर्भ में छिपे अवसरों को बहुत पहले ताड़ लेता है और उसके मुताबिक ही काम करता है। वैसे मुझे इस बात का अफसोस है कि हमारे देश में ऐसे बिजनेस लीडर्स की कमी रही। हमारे बहुत से बिजनेस लीडर्स दुनिया के बिजनेस लीडर्स के फॉलोअर्स रहे हैं। आपको उस ट्रेंड को तोड़ना है और कामयाबी की अपनी नई कहानी लिखनी है। इसके लिए आपको दृढ़ संकल्प, काबिलियत और भरपूर आत्मविश्वास की जरूरत होगी। इसके अलावा मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि पैसा, पद, प्रतिष्ठा कमाने के अलावा भी आपकी एक और अहम जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को भी आपको पूरी शिद्दत से निभाना है। यह जिम्मेदारी है एक इंसान के तौर पर समाज में आपकी भूमिका। भले ही कोई भी काम कितना भी छोटा क्यों ना हो लेकिन आपको कुछ न कुछ ऐसा काम जरूर करते रहना है जो कि इस देश के ग्रामीण इलाकों में रह रहे करोड़ों लोगों के जीवन की क्वालिटी को बेहतर बना सके, उनके जीवन में बदलाव ला सके। अगर आप ऐसा कर पाए तभी आप सच्चे मायनों में कामयाब होंगे। दोस्तों हम आशा करते हैं कि मेरे बताने का यह तरीका आपको जरूर पसंद आया होगा।